कुछ नहीं होता, ये सब डॉक्टरों के तोहफे हैं भारत के मानव को दिए हुए, ठीक है। गठिया भाई का मतलब ये है कि मुझे पूरी जिंदगी मिल गई इस आदमी को लूटने की, एक एक करके तीन तीन करके लेता रहूंगा, पूरी जिंदगी दवाई खिलाऊंगा। क्यों जी? आधी जिंदगी नहीं, पूरी जिंदगी ताउम्र दवाई खिलाएगा। गठिया भाई का मतलब ये है, तो उसको मौका मिल गया। अगर आपके जोड़ों में प्रेत ने दर्द कर दिया, उसको मौका मिल गया, बोला गठिया भाई भाई दवाई खानी पड़ेगी पूरी जिंदगी, मौज ले आनंद कर, ठीक है। अब आदमी जाया जाता है, वो प्रेत और बैठा रहता है। डॉक्टर से गठिया भाई, डॉक्टर से डॉक्टर के बाप से, पूरी एलोपैथी चिकित्सा से, संसार की किसी भी चिकित्सा से गठिया भाई के दर्द तक तो जाते नहीं है। गठिया भाई तो जब खत्म होगी, ठीक है। उन अहंकारी लोगों का अहंकार तोड़ने के लिए मनु भैया को भेजा है शनिदेव महाराज, जीते जी किसी का अहंकार नहीं छोड़ते, आए ना समझ में। तो एलोपैथी वालों को इस समय ऐसा समय आ गया था कि ये बड़ा भारी घमंड हो गया था, ये बड़ा भारी अभिमान हो गया था कि एलोपैथी चिकित्सा जो है कोरोना के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा है। मैं मंत्र शक्ति से वो रोग ठीक करके दिखाऊंगा दुनिया को, जिसको डॉक्टर ये कहता है कि ये कभी भी ठीक नहीं होगा। पीछे रहो तुम, आगे ना समझ में। ऐसे कई रोग है मेरी नज़र में जिनको मैं ठीक करके दिखाऊंगा, अभी भी ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, और लिख के ठीक करके दिखाऊंगा। देखो ये आदमी है, इसको मैं आपसे ले रहा हूँ और इसको ठीक करूँगा, ठीक है। हाँ, अभी बहुत तमाचे पड़ने वाले हैं।